हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते ऑल एस्पिरेंट। सो वीकली करंट अफेयर में आपका स्वागत है। और मैं आपको बता दूं, वीकली करंट अफेयर में अब तक हमने 21 अगस्त तक देख लिया था और किसी कारणवश हम संडे को नहीं लेके आए थे। बट अब हम क्या करेंगे, जो हमारा 10 to 11 days का जो भी करंट अफेयर छूट गया उसको हम यहाँ पे कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। और ये हमारा जो करंट अफेयर होगा वो PIB यानी कि आपका प्रेस इंडियन ब्यूरो एंड द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस, इन तीनों का कंपाइलेशन होता है। और जो भी आपके न्यूज यू कैन से दैट मिफ के थ्रू है या फिर सिलेबस से रिलेटेड है और जो भी इम्पोर्टेंट रही है वीकली में, उसी को हम यहाँ पे कवर करने की कोशिश करते हैं। ओके, सो हम देखेंगे कि आज हमें क्या देखना है। तो हमारे पास मैप नंबर फर्स्ट है सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया अभी न्यूज में रहा था, ठीक है, तो उसके बारे में हमें पढ़ना है। क्या हमारी इसकी बॉर्डर शेयरिंग कंट्री है उनको थोड़ा सा हम देख लेंगे, बॉर्डर शेयरिंग कंट्री ऑफ सऊदी अरेबिया, ठीक है। तो देखते हैं क्या है हमारा। देखिए, सऊदी अरेबिया की अगर हम बात करें तो इसकी जो है आपकी कैपिटल हो गई ये रियाद हो गई, ठीक है। उसके बाद यहाँ जॉर्डन जो पड़ता है आपका वो नॉर्थ वेस्ट में पड़ता है। इधर हम देख लेंगे जॉर्डन, ये आपका कहाँ पड़ रहा है, नॉर्थ और वेस्ट में। ओके, उसके बाद इराक की बात करेंगे, इराक हमें मिल जाएगा कहाँ पर, नॉर्थ में, यानी कि एग्जैक्ट नॉर्थ में इराक है न कि जॉर्डन, पहला तो आपको ये क्लियर करना है। कुवैत की बात करेंगे तो कुवैत हमारा पड़ता है नॉर्थ ईस्ट में, तो यहाँ पर आपको कहीं कुवैत मिल जाएगा, ये मिलेगा आपको नॉर्थ ईस्ट में। उसके बाद देखिए यहाँ पे कुछ और हैं जो कंट्री हैं, कौन कौन से, जैसे कतर है, बहरीन है या यूनाइटेड अरब इमीरात, यू कैन से दैट UAE, ये आपके देख रहे हैं यहाँ पे, हम देख रहे हैं क्या क्या मिल रहा है हमें, कतर, UAE और एक और है हमारे पास क्या, बहरीन, ये इधर, ठीक है। ये जो तीन कंट्रियां हैं ये आपकी पड़ती हैं टू द ईस्ट अक्रॉस द पर्शियन गल्फ, यहाँ पे पर्शियन गल्फ आपको दिख रहा होगा, उसके ईस्ट में पड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद ओमान की बात करेंगे, ओमान आपका कहाँ पड़ जाएगा, साउथ ईस्ट में, क्लियर कट है यहाँ तक। और यमन की बात करेंगे, यमन आपको कहाँ मिल जाएगा, साउथ में। अब न तो इजिप्ट का बॉर्डर शेयरिंग कट रहेंगे है, ना सूडान से, ना इरिटेरिया है, ये क्लियर कट कर लेना है आपको, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो मैं अगर वन लाइन में अगर आपका कहना चाहूंगा तो आपको उसको देखना कैसे है, सॉरी, ओके, वन लाइन में आपको देखना है तो क्या है बॉर्डर शेयरिंग कंट्री हमारी, यहाँ पे आपको मिल जाएगा इराक, जॉर्डन, कुवैत, कतर, UAE, ओमान एंड बहरीन, क्लियर कट है यहाँ तक। ये आपको क्या पड़ जाएगा, और जो बॉर्डर शेयरिंग कंट्री ऑफ द सऊदी अरेबिया। उसके बाद हम फिर देखते हैं और हमारा क्या न्यूज में रहा, मैप नंबर टू में आ जाएं, तो मैप नंबर टू में हम देखेंगे इसराइल हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा एंड बहुत ज्यादा न्यूज में रहा, तो उसको हम देखने की कोशिश करते हैं इसके बॉर्डर शेयरिंग कंट्री कौन से है। सो मैंने इसको आपको बाई ट्रिक्स बता दिया था कि इसराइल को आपको याद करना है सब किस में है, जेल में, ठीक है, यानी कि इसराइल के जितने भी लोग हैं वो सब किस में है, जेल में, आप ऐसे कह सकते हैं। तो S4 आपके पास क्या था, सीरिया, J4 आपके पास क्या था, जॉर्डन, E4 आपके पास क्या था, इजिप्ट, और L4 आपके पास क्या था, लेबनान, क्लियर कट है। तो थोड़ा सा हम यहाँ भी देखेंगे, लेबनान आपको पड़ेगा नॉर्थ में, क्लियर है, क्योंकि मैं इसमें छोटा कर दे रहा हूँ और क्लियर हो जाएगा आपका। लेबनान कहाँ पड़ेगा आपका, नॉर्थ में, ये लेबनान है, ये नॉर्थ में पड़ जाएगा। सीरिया की बात करेंगे तो सीरिया आपका पड़ जाएगा नॉर्थ ईस्ट में, ये नॉर्थ ईस्ट में हो गया, ठीक है। जॉर्डन की बात करेंगे तो जॉर्डन आपका कहाँ पड़ेगा, ईस्ट में, और इजिप्ट की बात करेंगे वो आपका कहाँ पड़ जाएगा, साउथ वेस्ट में, क्लियर कट है यहाँ तक। ये होगा हमारा इसराइल। उसके बाद हम आ जाते हैं लीबिया। लीबिया इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू कैन से दैट ये बहुत ज्यादा न्यूज में रहा है अभी, और आज भी मैंने इसका कुछ आपका PC में, प्रीलिम्स करंट में जो भी आपका न्यूज में था उसको मैंने कराने की कोशिश की है। सो देखते हैं यहाँ पे क्या है। लीबिया की अगर हम बात करें तो लीबिया में आपको मिल जाएगा, देखिए इजिप्ट जो मिलता है वो ईस्ट में है, सूडान जो मिलेगा वो मिलेगा साउथ ईस्ट में, चाड एंड नाइजर दो मिलेंगे आपको, नाइजर एंड चाड ये आपको मिलेंगे साउथ में, और अल्जीरिया आपको मिल जाएगा वेस्ट में। ट्यूनिशिया इज नॉट ए पार्ट ऑफ द यू कैन से दैट लीबिया शेयरिंग बॉर्डर कंट्री। सो अभी हम इसमें कितना मिल रहा है, इसमें हमें मिल रहा है 5 अल्जीरिया, ओके, उसके बाद हमें कौन मिल रहा है, चाड, फिर नाइजीरिया, सूडान, और यू कैन सी दैट ये आपको हो गया इजिप्ट। अगर आप इसको बाई न्यूमोनिक याद करेंगे या बाई ट्रिक याद करेंगे तो आपने नेक्सा सुना होगा भाई, हमारा नेक्सा ऐसा होता है, नेक्सा, ठीक है, इससे आप निकाल लेंगे लीबिया की जो भी बॉर्डर शेयरिंग कंट्री है। तो N4 एक बार मैं आपको और बता दे रहा हूँ रिवाइज कराने के लिए, N4 नाइजर्स, E4 आपके पास मिल जाएगा इजिप्ट, हियर इज ऑन द, C4 आपके पास मिल जाएगा चाड, और S4 आपके पास मिल जाएगा सूडान, और A4 आपके पास मिल जाएगा अल्जीरिया, क्लियर कट है। तो लीबिया की आप बाई न्यूमोनिक निकाल लेंगे, नेक्स्ट, ओके। उसके बाद हमारे पास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एंड यू कैन सी दैट
बहुत ज्यादा न्यूज में रहा जिम्बाब्वे, और जिम्बाब्वे की अगर मैं बात करूँ तो उसकी बॉर्डर शेयरिंग कंट्री कौन कौन सी है, साउथ अफ्रीका पड़ेगा आपका साउथ में, यहाँ साउथ अफ्रीका मिल रहा है आपको कहाँ पे, साउथ में, देखिए जिम्बाब्वे है और जिम्बाब्वे के आपके साउथ में मिल रहा है साउथ अफ्रीका। बोत्सवाना आपका कहाँ मिल रहा है, वेस्ट एंड साउथ वेस्ट में, ये बोत्सवाना है जो आपका वेस्ट एंड साउथ वेस्ट में पड़ता है। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं मोजाम्बिक की, तो मोजाम्बिक आपका जो पड़ता है वो कहाँ पड़ता है, ईस्ट में, क्लियर कट है यहाँ तक। उसके बाद हम बात करते हैं जाम्बिया की, तो जाम्बिया आपका कहाँ पड़ जाएगा, नॉर्थ वेस्ट में, क्लियर कट है। तो ये हमने अभी जो मैप हमारे बहुत ज्यादा न्यूज में रहे उनको हमने देखने की पूरी कोशिश की, क्या हमारा मैप न्यूज में था, ठीक है। और मैं आपको एक चीज और बता दूं, क्या रहता है ना कि हम क्या करते हैं कि अब वीकली पे हम जो भी मैप होता है उसको हम कम्प्लीटली करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मैं जब विजन आईएएस या फिर इनसाइट की जो भी मैगजीन आती है तो उस टाइम हमें क्या होता है कि बहुत ज्यादा यू कैन से दैट इतना टाइम नहीं होता हमारे पास कि हम उस टाइम मैप को अच्छी तरीके से कर पाए। बट अभी हम क्या करते हैं, जो भी न्यूज में रहते हैं, लगभग 4 मैप आपके न्यूज में रहे इस वीक में, तो उसको मैंने आपको यहाँ पे बॉर्डर शेयरिंग कंट्री के टाइप में कराने की कोशिश की है, क्योंकि ज्यादातर इसके क्वेश्चन जो बनते हैं वो बॉर्डर शेयरिंग कंट्री पे बनते हैं, ठीक है। अगर मेरी वॉइस क्लियर ना हो तो माफी चाहूंगा, थोड़ा सा गला बैठ गया। अब हम देखते हैं 19 तक हमने कंप्लीट कर लिया था आई थिंक 14 to 21 वाले में, और अब हम 20 अगस्त 2023 का देखते हैं जो ये न्यूज है, जो हमारा PIB, ठीक है, द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस, इन तीनों की टर्मोलॉजी होती है। सो देखते हैं क्या है हमारे पास। फर्स्ट ऑफ ऑल है AZ51.1, ये एक्चुअली में वेरिएंट है। ये किसका वेरिएंट है मैं आपको बता दूं, ये कोविड का वेरिएंट है और इसका दूसरा नाम है इज। तो AZ5.1 को हम इज बोलते हैं, और इसका नाम दूसरा भी है इरिस, इज का हो या इरिस का हो। और ये आप कह सकते हैं ये किसका डेसेंट है, ये है ओमिक्रॉन, ठीक है। उसके बाद एक बहुत ज्यादा न्यूज में रही स्कीम जिसका नाम था पोंजी स्कीम। पोंजी स्कीम की बात करूं, ये पोंजी एक्चुअली में चार्ल्स पोंजी, ये किसी व्यक्ति का नाम है। ये व्यक्ति क्या करता था कि भाई मान लीजिए अगर आपको उसने क्या किया कि 20 लोग इकट्ठे किए, उनमें से 10 लोगों को पेमेंट दे दिया, तब तक तो वो बेनिफिट में रहा, भाई 20 लोगों से पेमेंट ले रहा है, 10 लोगों को दे रहा है, तब तक तो वो ठीक है। अगर मान लीजिए यही 10 लोगों से पेमेंट ले रहा है और उसे 20 लोगों को देना पड़ेगा, तो फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा पड़ जाएगा। तो उसी के रिगार्डिंग ये थी पोंजी स्कीम्स, कि भाई पोंजी स्कीम स्कैम बोला जाता है, और आप एक भाषा में कह सकते हैं ठगों के ठग, यानी महाठग, उनको पोंजी है ना, कोई माइंड ना करे, हालांकि इनको बोला जाता है, मैंने उसी रिगार्डिंग बोला है। सो व्हाट इज ये क्या, तो आप समझ गए होंगे कि भाई सीधी सी बात है, 20 रुपए लिए, सॉरी 20 लोगों से लिए, 10 लोगों को बांट दिया, आप 10 लोगों से लोगों तो 20 लोगों को तो नहीं बांट पाओगे, तो स्कीम फेल हो जाएगी। यही कहानी थी कुछ इनकी, और इन्होंने बहुत ज्यादा गरीबी दिखी। और दूसरी बात ये थी कि इन्होंने कई कंपनियों में जॉब की, उसके बाद फाइनली इस टाइप की एक स्कीम निकाली जो इंडिया में आज भी चलती है, आई थिंक बहुत जगह चलती है। सो पोंजी स्कीम है क्या, पोंजी स्कीम इज एन इन्वेस्टमेंट प्लान, अभी मैंने आपको बताया, ठीक है। अगर मान लीजिए आप उसमें क्या कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इन विच ऑपरेटर एंड ऑपरेटिंग कंपनी पेज रिटर्न टू इन्वेस्टर फ्रॉम द न्यू कैपिटल कमिंग इन न्यू इन्वेस्टर। और ये क्या करते हैं, जो भी न्यू इन्वेस्टर है उसको क्या करते हैं, कैपिटल को यू कैन सी दैट इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। और उसके रिटर्न में ये बोलते हैं कि जैसे भाई 50% अगर हम आपको रिटर्न देंगे विद इन 3 मंथ, यानी कि 90 दिन के अंदर हम आपको 50% क्या देंगे। पोंजी स्कीम ये करती है कि हम आपको क्या दे देंगे, रिटर्न दे देंगे, ठीक है। उसके बाद बैन की बात करें, इसको बैन है, पोंजी स्कीम आर बैन अंडर द प्राइज चिट मनी सर्कुलेशन बैनिंग एक्ट 1978। तो प्राइस चिट एंड मनी सर्कुलेशन बैनिंग एक्ट जो कि 1978 वाला है, उसके थ्रू ये क्या है, पोंजी स्कीम आपकी क्या है, बैन है, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, दीज आर, इसको डेल्ट कौन करता है, इसको डेल्ट करता है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, क्लियर करते हैं यहाँ तक। उसके बाद बात करेंगे ये किसके अंडर में आती है, तो ये आती है प्रिवेंशन ऑफ द मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, ओके, क्लियर करते हैं यहाँ तक। उसके बाद हम देखते हैं पोंग डैम, तो आपको पोंजी स्कीम समझ में आ गया, आपको ये समझना है कि ये इन्वेस्टमेंट प्लान है जिसमें 50% रिटर्न रहता है, ठीक है, एंड 90 डेज के अंतर्गत, और यू कैन से दैट, वो मैंने आपको थोड़ा सा बताई दिया। पोंग डैम की बात करेंगे तो ये मैन मेड है, ठीक है, इसका कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है रिवर ब्यास पर, और रिवर ब्यास पर जो हिल पड़ती है उसका नाम है शिवालिक हिल्स, ये आपको याद रखना। लोकेशन कहाँ है इसकी, हिमाचल प्रदेश में है, और जो पोंग डैम है इसको रामसर साइट का दर्जा मिल चुका है कब, 2002 में, क्लियर कट है यहाँ तक। आगे चलते हैं, फिर हम आत्मनिर्भर भारत अभियान रोजगार योजना की बात करते हैं। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, इसको लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के द्वारा, और इसका एम क्या है, भाई इसका रोजगार का सीधी सी बात है, रोजगार देने का होगा, तो इंसेंटिवाइज एम्प्लॉइज फॉर द क्रिएशन ऑफ न्यू एम्प्लॉयमेंट, अभी मैंने आपको बताया, एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ द लॉस ऑफ एम्प्लॉयमेंट ड्यूरिंग द COVID-19 पेंडेमिक। तो COVID-19 पेंडेमिक के समय जो भी यू कैन से दैट लॉस हुआ एम्प्लॉयमेंट का, ठीक है, उसको रजिस्टर करने का काम और न्यू एम्प्लॉयमेंट का काम, ये सब कौन करता है, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, ओके। इंप्लीमेंट की बात करें तो कौन से इंप्लीमेंट करता है, तो एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, यानी EPFO एक्चुअली में इसको क्या करता है, इंप्लीमेंट करता है।
आगे देखते हैं, फिर हमें मिलता है एक पर्सनैलिटी मिलती है सुभद्रा कुमारी चौहान, ये पर्सनैलिटी है। पर्सनैलिटी का क्या रहता है कि यूपीएससी में पर्सनैलिटी के स्पेशल क्वेश्चंस आते हैं, एवरी ईयर पूछे जाते हैं, ये नहीं है कि आपका वन टाइम पूछ लिया, नहीं, हर साल एक ना एक एमसीक्यू आपका यू कैन से दैट पर्सनैलिटी से आता है। सो देखते हैं, और ये इंडियन पोइट है, फ्रीडम फाइटर भी है, इन्होंने ज्वाइन किया था महात्मा गांधी नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट को, ठीक है। फेमस वर्क की बात करें तो झांसी की रानी इनका फेमस वर्क है, और ये फिर आपकी रहा की चुनौती, उसके बाद बीरो कैसा बसंत, उसके बाद हम बात करते हैं इनको रिटर्न किया गया बाय दी सुमित्रा कुमारी चौहान ने क्या क्या रिटर्न किया, जैसे खरी बोली डायलेक्टर, ठीक है, खरी बोली यू कैन से दैट। उसके बाद है हमारे पास हार्डशिप फेस्ड बाय द इंडियन वुमेन्स एंड टिटिकेगा, ये हमारा पेरू बेस्ट में और बोलिविया, यानी पेरू और बोलिविया के बीच में पड़ता है हमारा टिटिकेगा लेक, ठीक है। और इन्होंने ये मैंने पढ़ाई थी आपको, सुमित्रा कुमारी चौहान ने क्या देखा था, खड़ी बोली डायलेक्टेड हार्डशिप फेस्ड बाई दी इंडियन वुमेन्स, इट्स रिटन बाई दी सुमित्रा कुमारी चौहान। 21 फर्स्ट की बात करें तो देखिए, ग्रीन हाइड्रोजन स्टैंडर्ड की बात करें, ये एक्चुअली में है क्या, तो GHS ग्रीन हाइड्रोजन स्टैंडर्ड, इसको लॉन्च किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ द न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव है प्रोग्रेस ऑफ द नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, यानी कि जो भी नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन में प्रोग्रेस हो रही है उसको उसका देखने का काम करता है। और नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की बात करें तो ये पार्ट है किसका, नेशनल हाइड्रोजन मिशन का, यानी कि NHM का, क्लियर कट है। इसकी ऑब्जेक्टिव की बात करें तो ये क्या करता है, मेक इंडिया ए ग्लोबल हब फॉर द प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट ऑफ द ग्रीन हाइड्रोजन एंड फुलफिल India's national determinations contributions, ये क्या करता है, make India global hub बनाना चाहता है, किसमें, production and export में, किसको, India को, as regarding of the hydrogen and fulfill करते हैं national determination contributions को, okay? Green hydrogen क्या देखता है, ये direct questions आपका उठेगा, जब भी उठेगा UPSC में, भाई green hydrogen का काम है, ये जो आपका कहाँ से आता है, sorry, not a work, ये कहाँ से produce होता है, तो produce from the fusel fuel से, तो ग्रीन हाइड्रोजन आपका फ्यूजल फ्यूल से प्रोड्यूस होता है। ब्लू हाइड्रोजन की बात करेंगे, ये प्रोड्यूस होता है फ्रॉम द फॉसिल फ्यूल्स विद कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज के द्वारा। ग्रीन हाइड्रोजन की बात करेंगे, ये प्रोड्यूस होता है कहाँ से, रिन्यूएबल पावर सोर्स के द्वारा। तो ये तीन चीज आपको याद रखनी है, ग्रे का मतलब है फॉसिल फ्यूल से प्रोड्यूस होना, ब्लू हाइड्रोजन का मतलब है ये प्रोड्यूस होता है फॉसिल फ्यूल्स के साथ साथ क्या, कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज के द्वारा, और ग्रीन आपको याद रखना है रिन्यूएबल पावर सोर्स के द्वारा। उसके बाद बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे पास एक टर्मोलॉजी है, उसका नाम है सोराइसिस। सोराइसिस के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, आपने कई लोग ऐसे देखे होंगे जिनकी पूरी बॉडी पे चकते होते हैं, यानी कि यू कैन से दैट रिंग वॉर्म होते हैं, जो रेड होते हैं, जिसको आप हिंदी में दांत कहते हैं, तो वो कम्प्लीटली बॉडी पे हो जाते हैं। जब वो कम्प्लीटली बॉडी पे हो जाते हैं उसके बाद फिर वो जो स्किन होती है वो डैमेज हो जाती है, और स्किन डैमेज होने के बाद वो जैसे एक नॉर्मल पर्सन की या हेल्थी पर्सन की स्किन होती है, और यू कैन से दैट जिसको सोराइसिस हुआ है, उन दोनों की हम कंपेरिजन करते हैं तो उसकी स्किन जो है सोराइसिस पर्सन वाले की वो डेड स्किन हो जाती है। तो आप समझ रहे हैं कि स्किन का डेड होना इस यू कैन यू कॉल दी सोराइसिस, क्लियर कट है यहाँ तक। सो देखिए, इसके बारे में थोड़ा सा हम देखते हैं, आपको समझ में होगा ये स्किन से रिलेटेड है, पहले तो आपको ये पकड़ना है, ठीक है। सो देखते हैं रैपिड, ये आपका है रैपिड बिल्डअप क्या भाई ऑफ स्किन सेल्स एंड रैश विद इची, मैंने आपको बताया स्केली पैचेस, पैचेस बन जाते हैं जगह जगह, आप देख रहे हैं यहाँ पे दाद हुआ गया बॉडी पे, है ना, फिर ये स्किन आपकी डेड हो गई। मोस्टली कॉमन ये कहाँ पे होती है, जैसे नी, ठीक है, जो आपकी नी होती है, एल्बो होती है, ट्रंक एंड स्काल्प, स्काल्प यू कैन से दैट जो सिर के बाल होते हैं उसके नीचे जो खाल होती है उसको हम स्काल्प कहते हैं, ठीक है। तो जो हमारा स्काल्प होती है वहां ज्यादा इसके होने के चांस होते हैं, नी पे आप कह सकते हैं, जो हमारे घुटने हैं, एल्बो पे आप कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं बहुत ज्यादा यू कैन से दैट ये टर्मोलॉजी है जिनको आपको याद ही रखना है, हैरिसन फोर्डी, एक्चुअली में ये किसी पर्सन का नाम है बट आपको याद कर रखना है, जैसे टेंचीमेनोइड्स, ये स्नैक्स से रिलेटेड है। उसके बाद पेलोड्स, ये सॉरी फिडोल्स की बात करेंगे, ये आंट से रिलेटेड है, और कैलिफोर्निया की बात करेंगे तो स्पाइडर से। तो ये टर्मोलॉजी आपको याद रखनी है थोड़ी सी, मैं एक बार और रिवाइज करा रहा हूँ, जैसे आपके टेंचीमेनोइड्स ये स्नैक्स से है, उसके बाद फिनॉर्स आपकी आंट से है, कैलिफोर्निया आपकी स्पाइडर से, क्लियर कट है। उसके बाद कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, ये क्या होता है भैया, CSR। देखिए इसके बारे में बता दूं, आपने डाबर आमला सरसों तेल का एक प्रचार देखा होगा जिसमें प्रचार किया जाता था कि भैया आपका जो एक रुपये है, जिस तरीके से आप तेल खरीदते हैं, उस तेल आपने मान लीजिए 15 रुपए का खरीदा, 15 रुपए में से जो आपने 15 रुपए दिए हैं, 14 रुपए तो कंपनी के पास चले गए और 1 रुपए जो है वो CSR में जाएगा। तो ये कंपनी इस तरीके से प्रचार करती है कि लोगों को लगता है हाँ भाई ठीक है, हम ये ऑयल तो यूज कर ही रहे बट इससे समाज सेवा भी हो रही है, हाँ होती है, यस। तो उसी के रिगार्डिंग ये है कि भाई जो भी कंपनियां होती है उनको अपना CSR में कुछ फंडिंग देनी पड़ती है। तो इसमें क्या है भाई, स्पेंडिंग ऑन द एनवायरमेंट, ठीक है,
मोर देन डबल विच मेड द सेक्टर द बिगेस्ट रिसिपिएंट ऑफ द सच फंड्स आफ्टर हेल्थ एंड एजुकेशन। तो कुल मिला के ये कि भाई ठीक है, हम डबल काम करना चाहते हैं, तो एनवायरमेंट को भी हम बहुत ज्यादा बेनिफिट देंगे और हेल्थ एंड एजुकेशन में भी रुपए खर्च करेंगे। ज्यादातर तो कंपनियां इस टर्मोलॉजी से इस हेल्थ एनवायरमेंट है ना, इन चीजों में क्या करती हैं, रुपए इन्वेस्टमेंट करती हैं। इसी को आप कह सकते हैं सीएसआर, इन्वेस्टमेंट नहीं करती है, अपना दान देती है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, यानी कि जिसको हम यूएनएससी कहते हैं। जैसा कि हमारा रूटीन है कि हम एक बॉडी देखते हैं, तो बॉडी में इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। इट एज अ यूनाइटेड नेशंस प्रिंसिपल क्राइसिस मैनेजमेंट बॉडी एम्पावर टू इम्पोज बाइंडिंग ऑब्लिगेशंस ऑन मेंबर स्टेट टू मेंटेन द इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। तो इसका काम यह है कि मेंटेन करना किसको, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को। ठीक है, और इसका जो यू कैन से दैट बाइंडिंग है, जो भी है एडवाइस देगी, ऑर्डर करेगी। ठीक है, उसके बाद फाइव परमानेंट वीटो पावर है, किसके पास है, चाइना, फ्रांस, रसिया, यूके, यूएसए। ठीक है, उसके बाद इंडिया जो है इसका मेंबर नहीं है। तो हमने क्या पढ़ा था, यूएनसीई का इंडिया मेंबर नहीं है और एक यूएनएससी का मेंबर नहीं, इंडिया नहीं है। क्लियर कट है यहाँ तक। आगे देखते हैं हम फिर 22 को। अब आजकल क्या हुआ है कि यूपीएससी ने ट्रेंड बदला है, तो वो अब थोड़ा सा आपका यू कैन से दैट अवार्ड्स के बारे में भी पूछना स्टार्ट कर दिया। तो देखते हैं फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप 2023, तो इसकी बात करें ये क्या है, व्हाट इज। सो सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज, ये है क्या, ये एक्चुअली में इंटरनेशनल एसोसिएशन फुटबॉल कॉम्पिटिशन है। थोड़ा सा क्लियर दिख रहा होगा, मैं माफी चाहूंगा। इट हैज बीन हेल्ड एवरी फोर सिंस, ये क्या होता है कि हर चार साल में एक बार इसको कंडक्ट किया जाता है। सिंस कहाँ से, 1991 से। ठीक है, विच वॉज हेल्ड इन चाइना, फर्स्ट ये कहाँ पे हेल्ड हुआ था, चाइना में। यूएसए की बात करें, हैज वॉन द वुमेन्स वर्ल्ड कप टाइटल्स 4 times, तो सबसे ज्यादा किसने जीते हैं, यूएसए ने। ठीक है, उसके बाद हम को होस्टेड, अभी को होस्टेड कौन कर रहा है, तो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड इसको को होस्टेड कर रही है। और ये पहली बार है कि आपका ये जो है आपका ओशियन रीजन में यू कैन से दैट फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप 2023 हुआ, उसके 9th होगा, सॉरी यस, और फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप ये 9th में है। और अब बात करें हुआ है, सॉरी हाँ, स्पेन और इंग्लैंड की बात करें। देखिए स्पोर्ट्स में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि अवार्ड से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, तो उसमें थोड़ा सा मैं कंफ्यूज इसलिए भी हूँ क्योंकि रीजन क्या है कि आपका क्वेश्चन अभी स्टार्ट हुए हैं 2023 से आना। ठीक है, उससे पहले नहीं था ऐसा 22-23 से। उसके बाद स्पेन और इंग्लैंड की बात करें, तो उसमें बिन कौन हुआ था, स्पेन हुआ था। ओके, आगे चलते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है हमारे पास, तो आपको इसमें से याद क्या रखना है। मैं थोड़ा सा आपको फीफा के बारे में बताने की कोशिश करूंगा कि आपको ये समझना है कि कब स्टार्ट हुआ, 1991 से, और ओशियन रीजन में ये पहली बार हुआ इसलिए न्यूज़ में रहा, और 4 times इसको किसने वॉन किया है, यूएसए ने। और एक चीज़ और आपको याद रखनी है इसमें जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे पास, कि ये 4 साल में एक बार होता है। क्लियर कट है। उसके बाद आ जाते हैं हंगुल या कश्मीरी स्टैक की बात करें, तो ये सब स्पीसीज है। ठीक है, सेंट्रल एशियंस रेड डियर की और एंडेमिक टू कश्मीरी। ठीक है, फाउंड कहाँ होती है, जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, कश्मीर में। ठीक है, कश्मीर जो कि एक्चुअली में प्राइमरली ये फाउंड होती है कहाँ पे, दाचीगाम नेशनल पार्क में। तो आपको याद रखना है जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और दाचीगाम नेशनल पार्क जो कि जम्मू एंड कश्मीर में पड़ता है, वहाँ पे ये प्राइमरी फाउंड होती है। उसके बाद अंगुल की बात करें, आईयूसीएन स्टैंडर्ड क्या है इसका, क्रिटिकल एंडेंजर्ड है। अपेंडिक्स किस में है, ये सॉरी साइट्स की अपेंडिक्स 1st में है और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1978 के शेड्यूल 1st में है। ठीक है, उसके बाद बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा कच्चातिब्बू आइलैंड्स। कच्चातिब्बू आइलैंड्स के बारे में आपको बता दूं थोड़ा सा क्या है कि एक्चुअली में ये इंडिया श्रीलंका के बीच में पड़ता है और इसका कुछ पार्ट जो है इंदिरा गांधी के द्वारा श्रीलंका को दे दिया गया। और अभी एक्चुअली में क्या होता है, तमिलनाडु के जो भी मछुआरे हैं जब वो वहाँ पे मछली पकड़ने जाते हैं, तो जो श्रीलंका की आर्मी है वो क्या करती है, उनको पकड़ लेती है, उनको नेट वगैरह उनके जो मछली पकड़ते हैं है ना, सामान वगैरह सब छीन लेती है, बोट छीन लेती है उनकी, उसके बाद उनमें से कई लोगों को मार देती है। तो जो एमके स्टालिन है, यू कैन से दैट फ्रॉम द तमिलनाडु सीएम, सो उन्होंने इसके रिगार्डिंग मुद्दा उठाया और सीएम को चिट्ठी लिखी, भाई ऐसा है हमारा जो आइलैंड्स हमने वापस दिया था वो इनसे वापस ले लो, क्योंकि ये लोग उस तरीके से बर्ताव नहीं करते हमारे जो भी मछुआरे वहाँ पहुँचते हैं। तो उसी के रिगार्डिंग ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आ गया कच्चातिब्बू आइलैंड्स। इसको मैंने कई बार आप जहाँ थंबनेल देखेंगे वहाँ मैंने क्लियर भी किया। सो ये नॉर्थन में क्या पड़ता है, रामेश्वरम पड़ता है। ठीक है, जो इंडिया में है, और श्रीलंका में आपको साउथ वेस्ट में क्या पड़ता है, जाफना, ये आपको याद रखना है। तो नॉर्थ टू साउथ, तो नॉर्थ में आपका रामेश्वर और साउथ में आपका जाफना। क्लियर कट है। उसके बाद हम आ जाते हैं इंदिरा गांधी मेमोरियल टूलिप गार्डन्स, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये गार्डन्स कहाँ पर है, ये लोकेशन पता करनी है, ये आपका जम्मू एंड कश्मीर में ओपन कब हो रहा है, 2007 में ओपन हुआ था। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, इसका ऑब्जेक्टिव है बूस्ट करना फ्लोरिकल्चर को एंड टूरिज्म को कहाँ पे, कश्मीर वैली में। तो कश्मीर वैली में ये चाहता है कि फ्लोरिकल्चर और टूरिज्म आपका कैसा हो, यू कैन से दैट बूस्ट हो जाए। और माउंटेन रेंज इसकी कहाँ से है, वो है आपकी जंबरन रेंज से। इट इज द लार्जेस्ट टूलिप गार्डन है कहाँ का, एशिया का,
ये आपको याद रखना है, और इसका नाम क्या है, इंदिरा गांधी मेमोरियल टूलिप गार्डन्स। अब हम आ जाते हैं कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन की, सीपीए। इसकी उत्पत्ति हुई 1911 में एज द एम्पायर पार्लियामेंट एसोसिएशन एंड इसको रीनेम किया गया सीपीए। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये किस फॉर्म में आई थी, ये आई थी एम्पायर पार्लियामेंट एसोसिएशन, यानी कि ई पी ए। अब ये क्या हो गई, सीपीए। ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्या है, सर्व द पार्लियामेंट्रीज ऑफ द कॉमनवेल्थ कंट्रीज बाय प्रोवाइडिंग मशीनरी फॉर रेगुलेशन कंसल्टेशन एंड एक्सचेंज ऑफ द आइडिया। ये सारे काम है कि भाई आइडिया को एक्सचेंज किया जाए, कंसल्टेशन किया जाए, ठीक है, जो भी कॉमनवेल्थ कंट्री है उनके लिए। उसके बाद मेंबर्स में कितने हैं, मेंबर है आपके 180, ओके, और इंडिया भी इसका मेंबर है, ये आपको याद रखना है। सीपीए का इंडिया मेंबर है, यस, और सीपीए किसको चेंज करके आई है, ईपीए को, ये याद रखना है 1948 के बाद। उसके बाद रीजन है सीपीए के, जैसे अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया है, ये सारे बहुत सारे रीजन है। चलिए अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पे, हमारे पास है इको एंग्जाइटी। इको एंग्जाइटी का मतलब है पर्यावरणीय चिंता। पर्यावरणीय चिंता हमें किसको लेके है, वो हमें प्लानेट को लेके, ये आपको समझना है। ठीक है, तो देखते हैं क्या है, व्हाट इज, ये है क्या, ओवरवेलमिंग सेंस ऑफ द फियर्स सैडनेस एंड ड्रीड ड्यू टू वार्मिंग ऑफ द प्लैनेट। प्लैनेट पे क्या बढ़ रही है, आपकी वार्मिंग बढ़ रही है। ठीक है, तो वार्मिंग का डर बढ़ रहा है, इसलिए इसको हमें क्या है, थोड़ी सी चिंता हो रही है, पर्यावरणीय चिंता हो रही है। तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल इतना समझना है कि प्लैनेट आपका इको एंग्जाइटी से रिलेटेड है। उसके बाद इट मेक केजेस पोस्ट ट्रोमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर सुसाइड्स ड्यू टू इकोनॉमिक फॉलोआउट। और कई जगह क्या होता है, इकोनॉमिक फॉलोआउट की वजह से सुसाइड होती है, डिसऑर्डर स्ट्रेस हो जाती है ना, इसी के रिगार्डिंग से। और हीट इंड्यूस्ड अ ग्रेशन एंड नेगिंग स्ट्रेच। उसके बाद हम देखते हैं क्लाइमेट डूम इज्म। ये देखिए, यहाँ पे एक कोएंजाइटी और एक है क्लाइमेट डूम इज्म, इसकी अगर हम बात करें, ये है क्या, क्लाइमेट डूम इज्म इज अ बिलीफ दैट ह्यूमैनिटी हैज लॉस्ट द बैटल अगेंस्ट क्लाइमेट। तो यानी कि यू कैसे दैट, जिस तरीके से पर्यावरण बदल रहा है, इनकी जलवायु परिवर्तन हो रहा है, वो तो उसके अगेंस्ट में अगर हम देख रहे हैं तो हम बैटल क्या है, हारते जा रहे हैं। ठीक है, एंड मेकिंग इज ऑन ऑर्ट्स वे ऑफ एक्सटेंज, और हम अपने अस्तित्व खोने का यू कंसिडर रास्ता बनाते जा रहे हैं। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, क्लाइमेट डूमिज्म। तो देखिए, इसमें एक यू कंसिडर फ्यूचर की चिंता दिखाई गई है कि किस तरीके से, जिस तरीके से अभी हम आगे बढ़ रहे हैं क्लाइमेट जलवायु परिवर्तन के साथ, हम हारते जा रहे हैं, है ना, तो उस तरीके से आगे क्या है भैया, इंसान तो खत्म ही हो जाएगा। तो उसी के रिगार्डिंग ये वाला टर्मोलॉजी है। तो आपको समझ लेना है कि ये ह्यूमिनिटी को लेके है, है ना, और इको एंजाइटी आपको प्लानिट को लेके है, और ये आपकी ह्यूमिनिटी को लेके है। क्लियर है, और इसमें क्या है आपका, क्लाइमेट चेंज को लेके है। क्लियर है, आगे चलते हैं फिर हम, क्या है, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक यानी कि आईपीपीबी, ये बॉडी है। ठीक है, इसको स्टेबलाइज किया गया था 2018 में, किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत, मिनिस्ट्री ऑफ द कम्युनिकेशंस। ठीक है, याद रखना है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक्स को। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, पेमेंट्स करना बैंक को, ठीक है, एंड एनहांस करना पेनिट्रेशन ऑफ बैंकिंग सर्विस। जो बैंकिंग सर्विस है उसके पेनिट्रेशन को कैसे करने का काम करता है, ये एनहांस करने का काम करता है ये। बट ये क्या नहीं करेगा भैया, आपको एडवांस लोन नहीं देगा, क्रेडिट कार्ड इशू नहीं करेगा, ये आपको याद रखनी है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में इसकी किसकी कितनी है, 100% फंडिंग है। ठीक है, ये आपको याद रखना। तो देखिए, दो तीन चीजें मैं आपको आईपीवी की बता दूं, यानी कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, एडवांस लोन नहीं देगा ये, नहीं क्रेडिट कार्ड देगा, गवर्नमेंट की 100% फंडिंग है। ठीक है, और इसका काम है जो बैंकिंग सर्विस उसको पेनिट्रेट करना। उसके बाद हम आ जाते हैं नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, ये एक्चुअली में बॉडी है। इसकी उत्पत्ति कब हुई, ये हुई आपकी कॉन्स्टिट्यूशन 2006 में, और किसके अंतर्गत, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंतर्गत, और इसका ये अमेंड हुई 2006 में। इसकी नोडल मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ द एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। फंक्शन की बात करें तो ये क्या करती है, कंडक्ट ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेट, क्रिएट एनुअल प्लान ऑफ द ऑपरेशंस ऑफ द टाइगर्स, प्रोवाइड फॉर मेजर्स ऑफ द एड्रेसिंग एंड कॉन्फ्लिक्ट, जो एनिमल एंड मैन में जो भी कॉन्फ्लिक्ट होता है उसको एड्रेस करने का भी काम करती है कौन, ये भी हमने देखी थी, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, यू कैन से दैट एनटीसीए। ठीक है, तो एनटीसीए आपको देख लेना है, थोड़ा सा मैं आपको एक बार में इसको रिविजन कराने की कोशिश करता हूँ। ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1978 के थ्रू है। ठीक है, और इसकी नोडल मिनिस्ट्री आपको याद रख लेनी है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं एक बॉडी पे, बॉडी हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम ऑलरेडी एक बॉडी करते आए थे। तो देखते हैं अफ्रीकन यूनियन, ये इसकी उत्पत्ति जो होती है वो हुई 2002 में, ये एज अ सक्सेसर, ठीक है, किसका, ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द अफ्रीकन यूनिटी यानी कि OAU का ये सक्सेसर है अफ्रीकन यूनियन। इसका विजन क्या है, इंटीग्रेटेड प्रॉस्पोरस एंड पीसफुल अफ्रीका ड्राइवन बाई इट्स ओन सिटीजन्स। तो ये विजन, इसका विजन है कि इंटीग्रेट करना प्रॉस्परस एंड पीसफुल अफ्रीका ड्राइवन बाई इट्स ओन सिटीजन्स। मेंबर की बात करें
दो कॉन्टिनेंटल बॉडी कंसिस्टेंट, जिसमें कितने मेंबर हैं आपके, 55 मेंबर हैं, ठीक है। और इंडिया कोऑपरेशन प्रोजेक्ट की बात करें तो जैसे आपका पैन अफ्रीका ई नेटवर्क है, इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन यू कैन से दैट ITEC है, ठीक है, ये इंडिया कोऑपरेशन प्रोजेक्ट है। उसके बाद हम आ जाते हैं 24 अगस्त 2023 को। इसमें साइंस एंड टेक का पहला टॉपिक है हमारे पास अस्त्र मिसाल। इसको टेस्ट किया गया किसके द्वारा, लाइट कॉम्बैक्ट एयर क्राफ्ट तेजस, डेवलप किया गया DRDO के द्वारा। विच टाइप, ये किस टाइप की है, एयर टू एयर मिसाइल है, ए टू ए, ये याद रखना है आपको, ठीक है। उसके बाद रेंज करेंगे इसकी कितनी है, 80 से 110 किलोमीटर फॉर द विजन मैक फर्स्ट के लिए और 160 किलोमीटर मैक टू के लिए। और एल्टीट्यूड की बात करें तो ये 220 किलोमीटर तक, और मैक्स स्पीड है इसकी 4.5। ओके, उसके बाद हम आ जाते हैं माइलेरा कल्चर्स। एक्चुअली में ये क्या है, व्हाट इज, तो देखिए मैं बता दूं आपको, ये कल्चर है, कल्चर वाला बहुत ज्यादा हमारा टॉपिक इंपोर्टेंट रहता है। तो माइलेरा हु इज अ फोक डाइटिंग आल्सो आइडेंटिफाई एज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ द लॉर्ड शिवा। तो माइलेरा कल्चर किससे है, शिवा से है। ये कहाँ पर है, कर्नाटका, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। ये आपको कुछ पर्टिकुलर लोकेशन याद रखनी है, हो सकता है आपसे ये क्वेश्चन पूछ ले कि माइलेरा है क्या। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये कल्चर है, किससे रिलेटेड है, शिवा से, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं, फिर हमारे पास इंपोर्टेंट है यूसिनी नेशनल पार्क, इट्स वेरी इंपोर्टेंट। ये लोकेशन कहाँ है इसकी, इक्वाडोर में, जो कि कहाँ पड़ता है आपका, साउथ अमेरिका में, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं वाटर बॉडी यहाँ पे कौन सी पड़ेंगी, एक तो नापो पड़ेगी और एक कावेरी रिवर पड़ेगी, कुरारी, सॉरी कुरारी रिवर, नॉट ए कावेरी। इंडिजीनियस कम्युनिटी यहाँ पे कौन कौन सी मिलती है, जैसे टैगरी है या टेरो मैनानी है, ये दो आपकी कम्युनिटी वहां मिलेंगी। 1989 में क्या हुआ था, योशनी बाज आर डिजाइनेड क्या वर्ल्ड बायोस्फीयर रिजर्व, यानी कि WBR इसको मिल चुका है बाय द UNESCO के द्वारा, कब, 1989 में। उसके बाद ये पार्ट्स है किसका, अमेजन रेन फॉरेस्ट का, क्लियर कट है यहाँ तक। उसके बाद देखते हैं हम चंद्रयान 3, इसकी सॉफ्ट लैंडिंग सक्सेसफुल हो चुकी है। अब हम चंद्रयान 3 23 के बाद हम 24 को चलेंगे ना, तो चंद्रयान की न्यूज ज्यादा रहेंगी, इसलिए हम चंद्रयान को बहुत अच्छे तरीके से करने की कोशिश करेंगे। तो देखते हैं रैंक वाइज में, यूनाइटेड स्टेट, रसिया, चाइना एंड इंडिया, बट इंडिया के आगे बट लग जाता है। रीजन क्या है, हम साउथ पोल पर पहुंचने वाले पहले वर्ल्ड में ऐसे कंट्री हैं जो हम साउथ पोल पर पहुंचे हैं, क्लियर है। अच्छा आगे देखते हैं, फिर हम लैंडर जो है मैनूवर फ्रॉम द एन एल्टीट्यूड ऑफ द 30 किलोमीटर, तो कितनी, जब 30 किलोमीटर वो ऊपर था तो उसने बैरियस फेज को पास आउट किया था, वो कौन कौन सी थी, जैसे आपका था फर्स्ट रफ, यू कैन सी दैट रफ ब्रेकिंग, ठीक है, एल्टीट्यूड्स, बिल्डिंग्स, फाइन ब्रेकिंग, उसके बाद टर्मिनल डिसेंट्स। तो ये चार आपको याद रखनी है कि जब वो 30 किलोमीटर यू कैन सी दैट अबव था, तब उसने किस तरीके के जो फेज है उनको फेस किया। सो रफ ब्रेकिंग, एल्टीट्यूड, फाइन एंड टर्मिनल्स। उसके बाद अपकमिंग भी कुछ इसरो के मिशन हैं, जैसे लूनर, ये है हमारे पास लूनर, लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन, यानी जिसे हम लूपैक्स कहते हैं, ये इसरो और जाक्सा के बीच में होगा, ठीक है, यानी कि दो कंट्रीज को मिलकर करेंगी और ये एक्सप्लोर करेंगे किसे, लूनर पोलर रीजन को, क्लियर कट है यहाँ तक। उसके बाद है हमारे पास एक्सपोसैट, इसको हम बोल रहे हैं एक्स रे पोलोरोमीटर सैटेलाइट, ये स्टडी करता है वेरियस डायनामिक ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल एक्स रे सोर्स को, ठीक है। उसके बाद आदित्य L1, जो कि अभी हमने 2 अगस्त को पढ़ा था, इसके बारे में 11:55 पे हमने सफलतापूर्वक इसकी भी क्या कर लिया, लॉन्चिंग कर लिया, ठीक है। द फर्स्ट स्पेस बेस्ड ऑब्जर्वेटरी टू स्टडी द सन, इसका काम क्या होगा, ये पहला इंडिया का यू कैन से दैट मिशन होगा जो सन की स्टडी करेगा। निसार की बात करें तो इसमें नासा एंड इसरो ये सार मिशन है, ये सिंथेटिक एपरेचर्स राडार विच मेप एंटायर ग्लोब इन 12 डेज, तो 12 डेज में ये एंटायर ग्लोब को क्या कर देगा, मैप कर देगा, क्लियर कट है यहाँ तक। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि अभी अपकमिंग इसरो के कुछ मिशन है, ये अभी हुए नहीं हुए हैं, अपकमिंग है, जैसे लूपेक्स है, एक्सपोसेट है, आदित्य L1 तो अभी हो चुका, निसार्स, ठीक है। तो ये तीन आपको अच्छी तरीके से याद रखने हैं, हो सकता है आपसे पूछ ले तो आप सोचे अदर कंट्री में चले जाएं। आगे हम देखते हैं फिर हमारे पास क्या है, ग्लोबल एंटीबायोटिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट पार्टनरशिप, जिसे हम GRADP बोलेंगे, ये इसको क्रिएटेड किया गया WHO के द्वारा। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ये टैकल करेगा जो भी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है उनको, ठीक है, और ये एक्सेलरेट करेगा डेवलपमेंट एंड एक्सेस ऑफ ट्रीटमेंट फॉर ड्रग रेजिस्टेंस इन्फेक्शन को। उसके बाद हम आगे आ जाते हैं एम्प्लॉयर्स, इसका क्वेश्चन UPSC में पूछा जा चुका है अच्छी तरीके से, आपको पता होगा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम्स, यानी कि जो भी MP को पैसा मिलता है तो भाई वो क्या करते हैं, लोकल एरिया में कुछ ना कुछ डेवलपमेंट करते हैं फॉर द SC एंड BC के लिए। सो ये इसको लॉन्च किया गया था एम्प्लॉयर्स को 1993 में, और ये एक्चुअली में है क्या, इट वॉज ए स्कीम इन इंडिया दैट अलाउ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट टू रिकमेंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इन देयर
कॉन्स्टिट्यूंसी यूजिंग अ डेजिनेटेड फंड्स, क्लियर है? जो भी फंड उनके लिए डेजिनेटेड किया गया है तो जो कॉन्स्टिट्यूंसी है उनकी वहां पे वो क्या करेंगे, उसको फंड को इन्वेस्ट करेंगे। सो प्रोविजन क्या है, 5 करोड़ हर साल मिलता है और दो इंस्टॉलमेंट में मिलता है, 2.5 करोड़ की इंस्टॉलमेंट होती है, यानी कि 6 मंथ पे 2.5 करोड़, फिर 6 मंथ पे 2.5 करोड़, इन दो इंस्टॉलमेंट में लगभग 5 करोड़ रुपए मिलता है किसको, एमपी को। और रिकमेंड किया जाता है कि जिनमें से 15% और या 7.5%, तो 15% जो फंड है ना एम्प्लॉयर्स को, वो तो खर्च करना है किस एरिया में, एससी में, और 7.5% आपका एसटी में, क्लियर कट है? तो 15% फंड तो उनको खर्च करना है कहाँ पे, एससी एरिया में, और आज का आधा कर दो 7.5% आपको एसटी एरिया में, क्योंकि इनकी पॉपुलेशन कम है, इनकी पॉपुलेशन ज्यादा है, क्लियर कट है? तो इसलिए एम्प्लॉयर्स, तो एम्प्लॉयर्स आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ज्यादा न्यूज में रहने वाला है कि इसमें इंस्टॉलमेंट दो पेमेंट में मिलता है और कहाँ पे कितना खर्च करना है, उसके बाद ये कब आया था, ठीक है? बाद बाकी तो मैंने आपको बता ही दिया कि भाई डेजिनेटेड जो फंड होता है उसको इनको यूज करना होता है। अच्छा, और जो फंड है ये कैसा है, नॉन लैप्सेबल है, मतलब ये लैप्स नहीं होता है फंड एम्प्लॉयर्स में, जो भी फंड्स होता है। इम्प्लीमेंटेशन की बात करेंगे तो मिनिस्ट्री ऑफ द स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम्स, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम ये क्या है, इसकी इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी है। अच्छा, अब चंद्रयान के कुछ रिमेनिंग पार्ट्स हैं, जैसे यू कैन सी दैट लैंडर पेलोड्स हैं, तो जैसे रामपाल लैब, इसको हम लैंग्वेज प्रूफ कह सकते हैं, ये मेजर करेगा जो भी सरफेस के नियर जो भी प्लाज्मा है, ठीक है, जिसमें आयंस या इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी डेंसिटी को। उसके बाद है चेस्ट, इसके बारे में हम पढ़ा था अच्छे तरीके से जब हम द हिंदू को कवर कर रहे थे, चंद्रा सरफेस, ठीक है, ये है आपका थर्मो फिजिकल्स एक्सपेरिमेंट। सो इसके बारे में क्या है, टू कैरी आउट, ये क्या करेगा, मेजरमेंट ऑफ द थर्मल प्रॉपर्टी जो भी होंगी लूनर सरफेस पे नियर द पोलर रीजन्स, उनको देखेगा ये। उसके बाद इल्सा की बात करेंगे, इल्सा का काम क्या है, ये है इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ फॉर द लूनर सिस्मिक एक्टिविटी, ये मेजर करेगा सिस्मिक अराउंड द लैंडिंग साइड, जो भी लैंडिंग साइड है वहां पे सिस्मिक एक्टिविटी है, उनको ये मेजर करने का काम करेगा इल्सा, ठीक है। उसके बाद रोवर पेलोड्स की बात करेंगे, इसमें है लिप्स, लिप्स को हम बोलते हैं लेजर इंड्यूस ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप, ये डिटरमाइन करेगा कौन कौन से एलिमेंट्स को, जैसे मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, सिलिकॉन है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, टाइटेनियम है, फेरस है, अभी हमने पढ़ाई था किस तरीके से सल्फर को तो हम फाउंड कर चुके हैं, बट अब हमारी बारी है हाइड्रोजन को लेके, सो लूनर सोइल पर, क्लियर है, इस लिप्स का काम है ये। उसके बाद है अपेक्स, ये अल्फा पार्टिकल एक्स रे स्पेक्ट्रोमीटर है, इसका काम होगा ये एनहांस करेगा हमारी नॉलेज को, जो भी लूनर सरफेस में क्या है क्या नहीं है, तो उन चीज़ों को यू कैन से दैट उन चीज़ों को इन्हांस करने की कोशिश करेगा, अभी हम तो जो हमारे पास जो भी जानकारी है उस जानकारी को और ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश करेगा। फिर है प्रोपल्शन पेलोड्स, ये सेफ इसमें होगा, उसका काम क्या होगा, ये स्टडी द स्पेक्ट्रो पोलोरीमीटर्स प्लानट अर्थ नियर NIR, ओके। हम क्या है प्रीलिम्स करंट में हमारे पास अब आ जाते हैं हम 26 को, तो ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी यू कैन से दैट GEF, इसको एस्टेब्लाइज किया था 1991 में और ये रिव्यू हुआ था कब, 1992 में रियो अर्थ समिट में, ठीक है, UNFCCC में। इसका हेडक्वार्टर आपको याद रखना है कहाँ पर है, वाशिंगटन DC में है, और ये प्रोवाइड करता है GEF क्या फाइनेंशियल असिस्टेंट, किनको, 5 मेजर इसके इंटरनेशनल एनवायरमेंट कन्वेंस हैं उनको ये क्या करता है फाइनेंशियल असिस्टेंट देता है। कौन कौन सी है, जैसे फर्स्ट है आपका मिनी माता कन्वेंशन ऑन द मरकरी को लेके है, स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑन द परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूशंस है, यानी जैसे हम पॉप बोल्स हैं। उसके बाद है यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी UNCBD है। उसके बाद यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन UNCCD है। उसके बाद यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन द क्लाइमेट चेंज UNFCCC। सो एक लाइन में मैं आपको याद करा दूं कि एक्चुअली में GEF किसको फंड असिस्ट करता है, जैसे आपका मिनी माता है, पॉप्स है, UNCBD है, UNCCD है, UNFCCC है, ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। आगे चलते हैं फिर हम फुजीवारा इफेक्ट, एक्चुअली में ये टर्मोलॉजी है तो ये देखते हैं क्या होता है। देखिए मैं क्या बताऊँ आपको, हरिकन्स हैं या साइक्लोन्स हैं, ये एक ही डायरेक्शन में एक ही साइड में अगर ये घूम कर रहा है तो उसको हम बोलेंगे फुंजीवारा इफेक्ट्स। सो व्हेन टू हरिकन्स एंड साइक्लोन्स स्पाइनिंग इन अ सेम डायरेक्शन आर ब्राउड क्लोज टुगेदर और एक दूसरे के पास आ जाते हैं, दे बिगन एन इंटेंस डांस अराउंड द कॉमन इफेक्ट सेंटर्स, और ऐसा लगता है कि जैसे ये डांस कर रहे हैं, सो यू कैन से दैट फुंजीवारा इफेक्ट्स। इसको आइडेंटिफाई किया गया था फर्स्ट 1991 में कहाँ पे, जापान में, और ये है आपका सुकुई फुंजीवारा, ठीक है। उसके बाद देखते हैं मून के कुछ और रियरिंग कुछ पार्ट्स हैं उनको देखेंगे, जैसे नियर साइड ऑफ द मून, ये क्या है भैया, ये पोर्शन है जिसमें 60% हमें विजिबल होता है, ठीक है, बिकॉज मून जो है ना उसी डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है जिस डायरेक्शन में पृथ्वी रोटेट कर रही है अपनी एक्सिस पे, इसलिए हमें 60% इसका यू कैन से दैट साइड दिखती है, तो उसी के रिगार्डिंग है ये पोर्शन ऑफ द मून
ठीक है, 60% विजिबल टू अस बिकॉज मून हैज द सेम रोटेशनल पीरियड अराउंड इट्स एक्सिस एंड अराउंड द अर्थ। ठीक है, ये कैसा है, स्मूथर है, लार्ज वोल्केनो है यहाँ पे कंपेयर किसके, फार साइड। तो फार साइड से ज्यादा यहाँ पे क्या है, ये पहली बात तो ये छोटा है और यहाँ पे वोल्केनो ज्यादा है। फार साइड देखते हैं क्या है भाई, ये इनविजिबल पोर्शन है, ठीक है, किसका, मून का, और यहाँ पे बहुत ज्यादा क्रेटर्स हैं। सो नॉन कंडिस्ट फॉर द स्पेस मिशन, जैसे चाइना चांग E4 लैंडर, ये सक्सेसफुली लैंड हुआ था फायर साइड ऑफ द मून पर। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं टैली लॉ एंड नया बंधु ऐप। ये दो ऐप है, इनको लॉन्च किया गया मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के द्वारा इसको यू कैन सी दैट लॉन्च किया गया। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इंश्योर करना किसको भैया, कि जो जस्टिस है वो सभी के लिए एक्सेस हो। टैली लॉ की बात करें, ये इसमें क्या होता है, कनेक्ट हो सकता है बेनिफिशियरी विद द लॉयर बाय टैली कॉन्फ्रेंसिंग फैसिलिटी के द्वारा। यू कैन से दैट, ऐसे कह सकते हैं कि टैली लॉ क्या है, टैली लॉ एक ऐसी चीज, एक ऐसा ऐप है जिसमें मान लीजिए कोई गरीब आदमी है, अब वो भाई अदालत नहीं जा पा रहा, तो उसको कनेक्ट होना है अपने एडवोकेट से, तो वो वहां से कनेक्ट हो सकता है बाय दी कॉन्फ्रेंसिंग या टैली लॉ के थ्रू। ठीक है, टैली लॉ नहीं, सॉरी, टैली, यू कैन सी दैट मोबाइल के थ्रू। उसके बाद नया बंधु की बात करें, इसमें कनेक्ट होते हैं जो भी प्रैक्टिस करते हैं कौन, एडवोकेट, वो कनेक्ट होते हैं इसमें आपस में। ठीक है, सो नया बंधु तो आप समझ गए कि भाई आप नया बंधु हैं, ठीक है, आप भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप ऐड हो जाइए हमसे, इस तरीके से आपको याद रख लेना है। और उसके बाद फिर आपको याद रखना है इसमें से कौन सा जो आपके लिए सबसे ज्यादा, मैंने बता दिया टैली लॉ क्या है। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट। देखिए 27 का मैंने इसलिए नहीं कराया था क्योंकि 27 की जो करंट थी वो ज्यादा नहीं थी, तो मैंने उसको 28 में कंपाइल करने की कोशिश की थी। तो देखते हैं क्या है, जैसे सिटाकली फोक आर्ट्स है, ठीक है, ये आपकी परफॉर्म की जाती है पार्ट ऑफ हार्वेस्ट फेस्टिवल ओनम पे। ठीक है, इसमें बेस क्या है, इसमें रामायण टी को दिखाया गया है। ठीक है, इसमें रामायण को दिखाया जाता है और इसमें करेक्टर दिखाया जाता है, जैसे कुछ राम है, सीता है, रावण है, हनुमान है, तो हमारे जो राम जी हैं, सीता जी हैं, रामन है, हनुमान जी हैं, उनके करेक्टर को दिखाने की कोशिश की जाती है। ठीक है, उसके बाद ये यू कैन सी दैट सिटाकली आर्ट्स है, ये सॉन्ग फॉर्म में भी हो सकती है, स्टोरी फॉर्म में भी हो सकती है, और वो भी फास्ट मूवमेंट में होती है। लोकेशन कहाँ है इसकी, केरला में। और ये शो क्या करती है, ये दिखाती है कि भाई ये द्रविड़ियन डांस है और किस तरीके से सीता की बने यात्रा हुई जिसमें हनुमान, सीता, राम, लक्ष्मण जो भी थे, और उनका अंतर्दनम हुआ। अंतर्दनम का मतलब है वो किस तरीके से जमीन में समा गई थी, समाधि ले ली थी। तो सीता के बने यात्रा से लेके और उनके अंतर्दमन तक की स्टोरी को दिखाने की कोशिश की जाती है सिटाकली आर्ट्स में, जो कि सॉन्ग और स्टोरी फॉर्म में होती है। उसके मूवमेंट जो होते हैं वो फास्ट होते हैं। ठीक है, तो आपको इतना जरूर याद रखना है, यहाँ से आपसे पूछ लिया जाएगा, क्वेश्चन बन जाएगा कि सिटाकली आर्ट जो है आपकी वो महाभारत है ना, इस टाइप पे पूछ लेगा, बट नहीं, महाभारत नहीं, रामायण है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कुछ मिलिट्री एक्सरसाइज हैं। मिलिट्री एक्सरसाइज में हमारे पास है जैसे आपका ऑसेंडिक्स 29, ये बाइनल मैरीटाइम एक्सरसाइज है इसके इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। तो ऑसिडेंस आप यहाँ से थोड़ा सा निकालेंगे, देखिए यहाँ मिल रहा है ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया, सो इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया, ओके। उसके बाद हम ब्राइट स्टार की बात करेंगे, ये एक्चुअली में ब्राइट स्टार जो है ये मल्टीनेटरल ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है, इसको फर्स्ट टाइम इंडिया में पार्टिसिपेट किया गया था, अदर कंट्री जैसे US, सऊदी अरेबिया, ग्रीस एंड कतर। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं जिम्बाब्वे बॉर्डर। तो जिम्बाब्वे बॉर्डर जो है, अभी हम इसको मैप के थ्रू भी पढ़े आए थे, अब थोड़ा सा हम इसमें भी पढ़ लेते हैं। तो बोस्वाना है, जाम्बिया है, मोजाम्बिक है और साउथ अफ्रीका है। ठीक है, रिवर है यहाँ पे कुछ, जैसे पेंगवो है, बुंजी है, सेब है, लिम्पो है, ये क्या है, रिवर है कहाँ पे, जिम्बाब्वे पे। चंद्रयान के कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट उनको देखेंगे, जैसे 23 अगस्त को अब हमने नेशनल स्पेस डे घोषित कर दिया गया, और शिव शक्ति पॉइंट का मतलब है जहाँ पे चंद्रयान 3 का जो लैंडर है विक्रम जो लैंड किया है उस जगह को हम शिव शक्ति बोलेंगे। तो वेयर विक्रम लैंडर टच डाउन ऑन लूनर सर्फेस, क्लियर कट है यहाँ तक। तिरंगा चंद्रयान 2 को रिलेटेड है, तो चंद्रयान 2 जहाँ पे फॉल आउट हुआ था, ठीक है, मून के सर्फेस पे, उस जगह को हम क्या बोलेंगे, तिरंगा, क्योंकि जिससे हमें याद रहे कि भाई तिरंगा जो है हमेशा जीत की याद दिलाता रहेगा हमें। सो ठीक है, तिरंगा आपका चंद्रयान 2 से है, याद रखना है आपको 2, और शिव शक्ति पॉइंट आपका 3 से है, और 23 अगस्त को आपको याद है नेशनल स्पेस डे, ओके। उसके बाद हम आ जाते हैं गोल्डी लॉक्स सिनेरियो की। एक्चुअली में ये इकोनॉमी का टर्म है और ये आइडियल सिचुएशन है वेयर देयर इज ए स्टडी ग्रोथ, जहाँ पे क्या हो, स्टडी ग्रोथ हो, जहाँ पे क्या होना चाहिए, लो रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, यानी अनएम्प्लॉयमेंट यू कैन से दैट एम्प्लॉयमेंट है, मतलब बेरोजगार लोग ज़्यादा नहीं होने चाहिए, ठीक है, और स्टडी ग्रोथ जो है वो स्लो स्लो होनी चाहिए। उसके बाद लो रिटेल इन्फ्लेशन, जो महंगाई है वो आपकी कम होनी चाहिए, एंड इंटरेस्ट रेट भी आपको कम होना चाहिए। सो इन सारी कंडीशनों को हम क्या बोलते हैं, गोल्डिलॉक्स सिनेरियो, क्लियर कट है। उसके बाद है हमारे पास कुनिंगम मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क, यानी कि KMGBP है, ठीक है, इसको अडेप्ट किया गया था COP 15 में, ठीक है,
और यूएन कन्वेंशन के द्वारा और उन्हें बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के लिए। इसका टारगेट क्या है, इसने टारगेट किया है, देखिए आपको सबसे ज्यादा याद रखना है कुनिंगन मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क। इसके टारगेट ये है कि भाई 23 तक हम अचीव कर लेंगे, ठीक है। 23 टारगेट इसने यू कैन से दैट गोल किए हैं कि भाई इनको हमें अचीव करना है, जिनमें से एक है जैसे इम्पोर्टेंट मैंने निकालने की कोशिश की है, जैसे कंजर्वेशन ऑफ द लैंड एंड सी को 30%, कंजर्व करना है हमें लैंड और सी को 30% बाई दी 2023 तक, 30 तक, और रिड्यूस करना है हमें इनवेसिव स्पीसीज 50% बाई दी 2030 तक, और रेजिंग एटलीस्ट 200 बिलियन यू कैन से दैट डॉलर पर ईयर। उसके बाद हम आ जाते हैं 29 के लिए, हमारे पास क्या इंपोर्टेंट है, एम्परर पेंगुइन, ये बहुत ज्यादा न्यूज में रहा, और जैसा कि हम पता है पीआईबी द हिंदू है, इंडियन एक्सप्रेस को हम पढ़ते हैं, सो उसमें देखते हैं स्पेसीज क्या है। इसका हैबिटेट है आउटलिंग अंटार्कटिका आइसलैंड में, ये कहाँ मिलेगा आपको, अंटार्कटिका आइसलैंड में। आईयूसीएन का इसका नियर थ्रेटेंट है, ग्रुप नेम इसका क्या है, कॉलोनी है। डाइट की बात करें ये कार्निवर है, और ये फ्लैटलेस बर्ड है, ये जरूर याद रखना है, जब पेंगुइन जो है ना वो आपके कैसा फ्लैटलेस बर्ड है, क्लियर है। ये एंटी एक आपको ये और याद रखना है, एम्परर पेंगुइन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। और दो वर्ड्स आपके देखिए, स्मिशिंग और फिशिंग क्या होता है, एक्चुअली में साइबर अटैक है ये दोनों ही, ठीक है। अगर मान लीजिए एसएमएस के थ्रू आपसे आपके साथ अगर फ्रॉड हो रहा है ना, यू कैन सी दैट या साइबर अटैक हो रहा है, वो स्मिशिंग है, और ईमेल के थ्रू अगर आपके साइबर अटैक हो रहा है तो ये फिशिंग है, ये आपको याद रखना है। स्मिशिंग में क्या है ये भी मैंने आपको बता दिया, इट इज अ साइबर अटैक्स, ठीक है, थ्रू एसएमएस टेक्स्ट मैसेज और अदर मैसेजिंग ऐप, क्लियर कट है। फिशिंग का मतलब है इट इज अ साइबर अटैक्स थ्रू ईमेल्स, ओके। अच्छा अब आ जाती है संविदा स्कीम, संविदा स्कीम की मैं बात करूं इससे वेरी इंपॉर्टेंट, तो सर्वे ऑफ द ब्लेज ऑफ मैपिंग विद इम्प्रोवाइज टेक्नोलॉजी इन ब्लेज एरिया की फुल फॉर्म हो गई, एस फॉर सर्वे, बी फॉर ब्लेज, एम फॉर मैपिंग विद, ये हमारे पास हो गया इम्प्रोवाइज, ठीक है, टी फॉर टेक्नोलॉजी इन ब्लेज एरिया स्कीम है। इसका एम क्या है, प्रोवाइडेड रूरल पीपल विद द राइट टू डॉक्यूमेंट देयर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी सो दैट दे कैन यूज देयर प्रॉपर्टी फॉर द इकोनॉमिक पर्पज। कुल मिला के ये है कि जैसे मान लीजिए आप गांव में रह रहे हैं और आपका कोई भी घर है, तो उसके राइट डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, जिससे कि आप उस यू कैन सी दैट मकान का कहीं भी यूज कर पाए जब आपको नीड पड़े। तो इससे क्या होगा, इससे भैया ये होगा कि वो अपने इकोनॉमी उसकी वीक है मान लीजिए, और उसको वो मकान को यूज कर रहा है, किसी बंदे को सेल कर रहा है, तो अपनी इकोनॉमी को बैलेंस करने के लिए वो उसको सेल करे, है ना। तो कुल मिला के ये कि भाई आपकी जो चीज है वो आपके पास होनी चाहिए, डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है। अच्छा मिनिस्ट्री कौन सी है इसकी, मिनिस्ट्री ऑफ द पंचायती राज है। टाइप कैसा है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम, ये जरूर आपको याद रखना है। स्पॉन्सर्ड नहीं है सेक्टर, इसका मतलब गवर्नमेंट की इसमें 100% फंडिंग है, क्लियर कट है यहाँ तक, ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये जो भी रूरल पीपल्स होते हैं उनको राइट डॉक्यूमेंट देने का काम है कि भैया अपने आपका जो रेजिडेंस है, प्रॉपर्टी है, रेजिडेंस है, प्रॉपर्टी है, उसके भैया आप अपने कागज ले लीजिएगा, अगर आपको कभी जरूरत पड़े तो आप इनको सील कर पाए। उसके बाद हम चलते हैं, फिर हमारे पास है चैल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का क्वेश्चन बनता है ये है कहाँ आपकी, हिमाचल प्रदेश में, रिवर कौन सी है, गिरी है, ठीक है। उसके बाद ये किसके अंतर्गत आती है, प्रोटेक्टेड एरिया के अंतर्गत आती है, और यहाँ पे एक ब्लैक ईगल पाया गया था, तो उसको थोड़ा सा हम देखते हैं। चैल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि आपकी हिमाचल प्रदेश में है, वहाँ पे एक ब्लैक ईगल पाया गया, और उस ईगल को हम थोड़ा सा देखते हैं क्या ये हिल रीजन में पाया जाता है। इसकी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो ये ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया एंड साउथ ईस्टर्न चाइना में है। इंडिया की बात करें तो हिमाचल प्रदेश है, जम्मू एंड कश्मीर है, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट है। आईयूसीएन स्टेटस इसका कैसा है, लीस्ट कंसर्न, क्लियर कट है यहाँ तक। उसके बाद हम आ जाते हैं नेशनल कार्बन रजिस्ट्री, ठीक है, एनसीआर, ये क्या भैया, इसको लॉन्च किया गया था यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी के द्वारा, ठीक है। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव है जो भी नेशनल कार्बन रजिस्ट्री इज एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ये क्या करेगा, अलाउ करेगा कंट्री को टू इफेक्टिवली मैनेज नेशनल डेटा एंड प्रोसेस फॉर द ट्रेडिंग कार्बन क्रेडिट को लेकर। अच्छा अब 30 अगस्त को हम देखते हैं, इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट क्या क्या हमारे पास रहा, जैसे सुका पाइका रिवर्स, ये रिवर है, ये डिस्ट्रीब्यूटरी है किसकी, महानदी रिवर की, पहले तो आपको ये समझ लेना है। सुका पाइका रिवर जो है वो डिस्ट्रीब्यूटर किसकी है, महानदी की। महानदी रिवर की बात करें तो ये ओरिजिनेट होती है कहाँ से, सिहावा माउंटेन जो कि छत्तीसगढ़ में पड़ता है, ठीक है। उसके बाद लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी में कौन सी है, जैसे शिवनाद है, हसदेव है, मांड है, इब है। राइट बैंक ट्रिब्यूटरी में महानदी कौन सी है, जैसे ओंग, चेल, जोंग, क्लियर है। उसके बाद हम आ जाते हैं वेरी इंपॉर्टेंट पुलिकली टाइगर डांस, ये आपकी लोकेशन है इसकी कहाँ पे, केरला, ठीक है। और इंस्ट्रूमेंट की बात करें जैसे आपका टकिल है, उडुक्कू है, चेंडा है, ये आपको याद रखना, ये आपसे हो सकता है बनलाइन में पूछ ले कि टकिल, उडुक्कू एंड चेंडा ये क्या है, ये आपके क्या है, इंस्ट्रूमेंट्स हैं, क्या है आपके ये इंस्ट्रूमेंट्स। और आर्टिस्ट की बात करें
तो पेंट्स देयर बॉडीज लाइक टाइगर सच एज येलो रेड ब्लैक स्ट्राइप्स। ओके उसके बाद हम आ जाते हैं मोरमदेव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यानी कि VWS। ये इसकी लोकेशन सबसे पहले देख लो कहाँ पड़ेगी, छत्तीसगढ़ में। और उसका जो बॉर्डर होगा वो किसके साथ शेयर होगा, कान्हा नेशनल पार्क के साथ। वेजिटेशन की बात करें तो मिक्स ऑफ डेंस फॉरेस्ट एंड ओपन ग्रासलैंड्स। अच्छा रिवर कौन सी है यहाँ पे, सकारी रिवर्स है जो आपकी इस सेंचुरी में फ्लो होती है। ठीक है उसके बाद हम आ जाते हैं, फिर हमारे पास है महेंद्रगिरी यानी कि Y12654। ये एक्चुअली में क्या है, ये सेवेंथ एंड लास्ट सैटेलाइट है, सॉरी स्टेल्थ फ्रेगेट्स है। इसका प्रोजेक्ट 17A का, और महेंद्रगिरी ये एक्चुअली में लॉन्च हुआ था मजगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड यानी कि MDL जो कि पड़ता है आपका मुंबई में। उसके बाद 9-Land की बात करें, ये IR का है आपका, चाइना क्लेम करता है कि 90% जो साइज चावना है सी है, एंड ये जो क्लेम है बेस्ड ऑन द यू शिफ्ट की वजह से करता है भैया का, हमारा यू शिफ्ट है इसलिए 9-Line को वो क्लेम करता है, इमेजिनरी 9-9। ठीक है और इसको मेप किया गया था कब, 1940 में बाई दी चाइना के द्वारा। इसमें कवर क्या क्या होते हैं, जैसे पार्सल्स है या स्प्रे टाइल्स है और कई आइसलैंड से उनको रिजेक्टेड। इसको देखिए मलेशिया नहीं मानता, वियतनाम नहीं मानता, थाईलैंड भी नहीं मानता, फिलिप्स भी नहीं मानता है। उसके बाद परमानेंट कोर्ट्स जो एट्रीब्यूटेशन ऑफ अनक्लोज है वो भी रिजेक्ट करता है कि जो चाइना का क्लेम है भैया वो लीगल नहीं है, क्लियर कट है यहाँ तक। लीबिया की बात करें तो लीबिया में आपकी रिवर कोई है ही नहीं भाई, पहले आपको याद रखना लीबिया ऐसा कंट्री जहाँ पे कोई रिवर नहीं है, हाईएस्ट पॉइंट पे यहाँ पे मिलेगा बिक्कू बिट्टी। ओके अच्छा अब हम आ जाते हैं अपना 1 सितंबर, अभी हमने क्लियर किया था कि क्या हमारे पास, हमने फर्स्ट टू सेकंड पढ़ना था हमें, सो देखते हैं क्या 1 सितंबर तक है हमारे पास। कुकापो और आउल पैरट ये स्पेसीज है, ये फाउंड कहाँ हुई है, न्यूजीलैंड में। कैसी है, क्रिटिकल इंडेंजर्ड है। ब्रीड्स इसका कैसा है, ब्रीड्स ये देखिए हर एक बार 2 या 5 साल में। फीड की बात करें तो लीव्स स्टेम रूट्स फ्रूट नेक्टर सीड्स इन सबको फीड करता है। थ्रेट्स की बात करें तो हैबिटेट लॉस है, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू पैरेटेड इंक्रीज इन द हंटिंग। फंगी की बात करें तो फंगी एक्चुअली में क्यों नीज में आ गया, क्योंकि इसको आम पीपल है इसको फंगा कह सकते हैं। सो यू कंसिडर इसके 5 किंगडम है बायोलॉजी की, तो कौन कौन से हैं वो, फर्स्ट फंगी है, एनिमेलिया है, प्लांटी है, प्रोटिस्टा है, मोनेरा है। अबाउट फंगी की बात करें तो देखिए इसमें सेल है, इक्रोटिक है, सेल बॉल की है, प्रेजेंट विद चिटिन्स है, और न्यूक्लियर मेंबर की बात करें तो इसमें प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियर मेंबर प्रेजेंट होता है यस। उसके बाद बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो मल्टी सेलुलर्स लूज टिश्यू होते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो हम लेगा हेट्रोट्रॉफिक, क्लियर कट है यहाँ तक। तो फंगी हमने देख लिया, उसके बाद देखते हैं हम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हमारे पास है कोक बोरोक लैंग्वेज। ये एक्चुअली में ट्राइब्स की लैंग्वेज है, ये कहाँ पर है, ये त्रिपुरा में है जो कि बोरोक पीपल्स इसको बोलते हैं। और बोरोक होते कौन थे इनको देखते हैं, ये ब्रांच है किसकी, बोरो पीपल की, कहाँ पे है, असम में। ये बिलोंग करते हैं किससे, सिनो तिब्बतन लिंग्विस्टिक ग्रुप से, ठीक है, एंड रेसियली मंगलॉइड्स, और ये रेसियली है क्या, मंगलॉइड्स हैं, ठीक है। अच्छा उसके बाद देखते हैं हम हु इज द कोकरो कोक बोरोक, ये कोकरो कोक बोरोक है क्या, ये बिलोंग करता है तिब्बतो ब्यूरन फैमिली से एंड क्लोज टू अदर लैंग्वेज जैसे बोडो है, गारो है, दिमसा है। तो कुल मिला के कोकरो बोरो ये आपके बोडो गारो और दिमसा से भी रिलेटेड है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट की बात करें WHS की तो ये ऑब्जेक्टिव है, इट इज द डेजिनेशन 4 प्लेस ऑन अर्थ दैट आर ऑफ आउटस्टैंडिंग यूनिवर्सल वैल्यू टू ह्यूमैनिटी इंक्लूडिंग कल्चर्स नेचर्स एंड मिक्स साइट्स विच नीड्स टू बी प्रोटेक्टेड फॉर द फ्यूचर जनरेशन। तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट का काम भैया यही है कि डेजिनेटेड करना जो भी प्लेस है अर्थ पे, ठीक है, और जो एरिया है यूनिवर्सल वैल्यू उसकी करना है ह्यूमैनिटी को लेके, ठीक है, जिससे कि भविष्य में हमारी जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो भी इसको समझ पाए। और इसमें वर्ल्ड हेरिटेज साइट की बात करें तो उसमें 1157 यू कैन से दैट वर्ल्ड में साइट्स हैं, और इंडिया में ही कितनी साइट है, 1157 में से 40 इंडिया में है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने, किस तरीके से आपने देखा होगा कि जो PC हमारा है प्रीलिम्स करंट, ये हमारा यू कैन से दैट रिलेटेड होता है PIB द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस। और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि कोई भी चीज़ नहीं छूटती है, अगर एक आध दिन आपका पेपर आना मिस भी हो जाता है, हालांकि आज भी पेपर मैं करा सकता था पर ऐसा कुछ पेपर में खास नहीं था, जो भी था वो मैंने आपका यू कैन से दैट नेक्स्ट जब हम क्या करते हैं अपना प्रीलिम्स करंट लेके आते हैं उस टाइम उसे हम कंप्लीट कर लेते हैं, है ना। सो मैं आपसे यही कहूँगा कि ये जो कंपाइलेशन है वो आपका बहुत ज़्यादा बेनिफिशरी होना है।
अगर आप एग्जाम देंगे देन यू कैन सी दैट सर ये बहुत ही ज़्यादा फिल्टर कंटेंट था हमारे पास जो PIB एंड द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस का कंपाइलेशन था, और मैं इसमें श्योर करता हूँ आपको कि आप इसको पढ़ने के बाद डेफिनेटली जब आप इनसाइट या विजन IAS या अदर किसी भी UPSC की मैगजीन को जब आप लगाएंगे यू कैन सी दैट सॉरी PYQ को, तो आपको ये लगेगा कि बहुत अच्छा हमारा इसमें हमने कंटेंट अपना तैयार कर लिया करंट अफेयर का। सो आप प्लीज वीडियो को क्या करें दो एक या दो बार जरूर देख लें, अगर आपको लगेगा कि वन टाइम में आपका क्लियर है दो बार देख लेंगे तो डेफिनेटली आपका क्लियर हो जाएगा, और थोड़ा सा आप हो सके तो नोट्स बना लें, अदरवाइज इसकी PDF मैं बता दूं आपको PDF इसकी आपको मिल जाएगी, PDF आपको मिल जाएगी इसकी जब आप मेरे को 8171420646 पे क्या करेंगे मैसेज कर देंगे देन PDF आपको ये मिल जाएगी। ओके और टेलीग्राम पे भी मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल को अगर आप ज्वाइन करेंगे तो वहाँ भी आपको ये PDF मिल जाएगी। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और एक चीज़ और आपसे मैं कहना चाहूँगा कि आप कंटिन्यूसली है ना कंटिन्यूसली आप PC को जरूर देखते रहें, क्योंकि PC इज़ अ श्योर एंड योर कि आपका कंप्लीट आपका करंट अफेयर हो जाएगा, और लास्ट में जब PT 365 आप विजन के पढ़ेंगे तो आपको ये लगेगा कि हमारा बहुत कुछ कंप्लीट है। और मैं समझ रहा हूँ कि जो भी अभी मंथली मैगजीन पढ़ रहे हैं तो वो थोड़ा सा ब्रेक भी ले सकते हैं, रीज़न क्या है कि मंथली मैगजीन अगर आप कंटिन्यूसली नहीं पढ़ पा रहे तो फाइनल आप PC को देखते रहें, और लास्ट में आप क्या करें अपना PT 365 देख लें देन योर करंट अफेयर इज कम्प्लीटेड। और ये तो कॉमन सी बात है, ये दोनों ही लैंग्वेज में है हिंदी एंड इंग्लिश में, हालांकि मेरी जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश लिखी हुई है बट मैं बोलता तो हिंदी हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि हिंदी वालों को इसमें कोई सी भी डिफिकल्टी होती होगी, वो भी इजीली इसको समझ पाते होंगे। ओके सो आज हम अपने सेशन को यहीं रुकते हैं, थैंक यू सो मच।